अगर आपके परिवार में किसी लड़की या लड़के के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है और ये काम आप इंटरनेट पर चल रहे मैरिज ब्यूरो से करवा रहे हैं, तो जरा सावधान हो जाइए, कहीं आप ठगे तो नहीं जा रहे। फर्जी मैरिज ब्यूरो का जाल पूरे देश में फैला है। आज प्रयागराज में आईजी राकेश सिंह की साइबर क्राइम टीम ने ऐसे ही ऑनलाइन फर्जी मैरिज ब्यूरो का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 पुरुष और 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को शादी के लिए रिश्ते बनाने का झांसा देकर ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कराकर नंबर ब्लॉक कर देते हैं। 40 से 50 ऐसे मामले इनके पास आते थे जिसमें कि ये रजिस्ट्रेशन करते थे, 4 से 8 हज़ार रुपये लेते हैं एक बात, और फर्जी आधार कार्ड और फोटो किसी लड़की के भेजते थे इनको, जिससे आदमी को विश्वास हो जाता था। और फिर वो उससे 2-3 दिन बाद इनके साथ जो लड़कियां पकड़ी गई हैं उनसे बात कराते थे और उन लड़कियों से फिर मना करा देते थे। ये प्रोसेस है इनका। पकड़े गए ये लोग काफ़ी शातिराने अंदाज से लोगों को ठगने का काम करते थे। इन लोगों ने रॉयल मैरी पार्टनर और पवित्र रिश्ता के नाम से मैट्रिमोनियल साइट बनाया था और उस वेबसाइट पर लड़के और लड़कियों का फर्जी प्रोफाइल बनाकर उस पर अपलोड कर देते थे। शादी के लिए जब लोग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते तो पहले उनको ऑनलाइन फीस जमा करनी पड़ती थी, उसके बाद रिश्ता तय होता तो और ज्यादा रकम ट्रांसफर कराई जाती थी। फिर लड़की या फिर लड़के द्वारा किसी न किसी बहाने से लड़की से शादी से मना कर दिया जाता और नंबर ब्लॉक कर दिया जाता। काफी दिनों तक लोग समझ भी नहीं पाते थे कि उनके साथ ठगी हुई है। ये इसमें जो महिलाएं हैं उनका एक काम था कि जब फर्जी आधार कार्ड और फोटो से अगर वो कोई आदमी शादी के लिए पैसे जमा कर देता था तो उससे बात करती थी और बात करने के बाद 2-3 दिनों बाद 4 दिनों बाद वो मना कर देती थी कि अब शादी नहीं करेंगे या शादी उनकी कहीं और तय हो गई। ये इनका काम था। अभी ये 8 लोग पकड़े गए हैं, 5 महिलाएं 3 पुरुष, और इनके जो और जो इन संचालक हैं उन पर हमारी टीम में काम कर रही है, उनको भी पकड़ा जाएगा। सर, इस तरह इस तरह से बचने के लिए है कि आप जो है सोशल साइट्स पर जब इस तरह के मैट्रिमोनियल्स या इस तरह और जाते हैं तो पूरी ठीक से छानबीन करें और बिना जल्दबाजी में और इस तरह कोई निर्णय न लें कि वो पैसा जमा कर दें। इससे बड़ी इस मैट्रिमोनियल की बड़ी वेबसाइट भी हैं और ऑथेंटिक है, ये इस पर जो छोटे छोटे इस तरह के बने हुए वेबसाइट हैं उस पर यकीन न करें और पूरी जागरूकता छानबीन के बाद ही पैसा जमा करें। और ये उनको इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह के आप लोग माध्यम से अवेयरनेस फैले और लोग इस तरह के। पकड़े गए ये लोग एक कॉल सेंटर चलाते थे जिसमें युवकों के अलावा लड़कियां भी होती थी। इन कॉलरों को बकायदा सैलरी भी मिलती थी। पुलिस की सर्विलांस टीम को जब शिकायत मिलने लगी तो पुलिस ने जाल बिछाकर इस गैंग का भांडा फोड़ कर दिया। इनके पास से कंप्यूटर, लोगों के आधार कार्ड और कई अहम गैजेट भी बरामद हुए हैं।